दोस्तों सुप्रभात, मेरा नाम अरुण है और मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं कि आप सबों ने अपना कीमती समय दिया पिछले कुछ समय में मेरे द्वारा भेजे गए ऑडियो क्लिप्स को सुनने में। और आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शेयर माय लेसन्स विथ ऑल ऑफ यू, लाइफ लेसन्स विथ ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज मैं आपसे जिक्र करने जा रहा हूँ, आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ एक ऐसे लेसन का जो एक मूवी से आया। कुछ दिन पहले मैं जयपुर गया था और वहाँ मेरा एक 5 दिन का प्रोग्राम था इन वन ऑफ द MBA कॉलेजेस। ये इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड था। सो उस 5 दिन के प्रोग्राम के शुरू होने के पहले मैंने एक मूवी देखी और उस मूवी का नाम है सुपर 30। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग इंस्पिरेशनल मूवीज दैट आई हैव सीन। इस मूवी का एक डायलॉग मुझे अभी भी याद है, उसमें जहाँ पर आनंद कुमार की का किरदार निभा रहे हैं ऋतिक रोशन बोलते हैं कि दुनिया वालों ने मेरे रास्ते में गड्ढे खोद दिए, दुनिया वालों ने मेरे रास्ते में गड्ढे खोद दिए, काफ़ी सारे गड्ढे खोदे, लेकिन यही उन्होंने गलती कर दी क्योंकि उन्होंने मुझे छलांग लगाना सिखा दिया। दैट्स ए वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। लोगों ने मेरे रास्ते में गड्ढे खोदे, अगर वो गड्ढे नहीं खोदते तो मैं पहले सिर्फ चलना जानता था और उसके बाद मैं छलांग लगाना सीख गया। नाउ दैट्स द पावर ऑफ एटीट्यूड। सो जिंदगी में ऐसे काफी मौके आएंगे जब आपके रास्ते में लोग गड्ढे खोदेंगे, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल करना है अपने आप को छलांग लगाना सिखाने में। ऐसे मौके आएंगे जब आपके रास्ते में लोग पत्थर रखेंगे, टेबल्स रखेंगे, पत्थर रखेंगे, रॉक्स रखेंगे, आपको उसका इस्तेमाल करना है अपने आप को रॉक क्लाइंबिंग सिखाने में। और ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी मौके आएंगे जब आपके रास्ते में अड़चने आएंगी, बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे और आपके समाज के लोग ही आपके सामने रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आप उसको लेते कैसे हैं। जिंदगी में आपके साथ क्या होता है ये मैटर नहीं करता है। ट्रूली आई बिलीव इन दिस, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है। बट जिंदगी में जो आपके साथ होता है उसके प्रति आपका रवैया कैसा होता है, उसके प्रति आप रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सो व्हाट हैपेंस टू यू डज नॉट मैटर, बट द वे यू रिएक्ट टू समथिंग विच हैज़ हैपेंड टू यू, विच हैज़ हैपेंड इन योर लाइफ डज मैटर, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स एंड इट शेप्स योर डेस्टिनी गोइंग फॉरवर्ड। मुझे याद है दोस्तों जब 1990 का साल था, जब मुझे पहली बार अपने छोटे से शहर झारखंड के में एक छोटा सा शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर, वहाँ से मुझे घर से बाहर निकलना था और पहली बार मुझे दूसरे शहर में जाना था जो मेरे शहर से करीबन 300 किलोमीटर दूर होगा। और वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कॉलेज है, वहाँ मुझे एडमिशन मिला था, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस एट दैट टाइम इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे पिताजी मुझे छोड़ने जा रहे थे तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि ये मैं पहली बार एक छोटे से शहर से निकलकर बड़े शहर में जा रहा हूँ एंड पता नहीं मैं कैसे रहूँगा, क्या होगा। मुझे याद है कि जब मैं उस बड़े शहर में गया, मैंने एडमिशन लिया पिताजी के साथ में, उन्होंने सारे पेपर वर्क मैंने फिलअप किए और उसके बाद जब मैंने हॉस्टल देखा और मुझे थोड़ा डर लगा कैसे मैं इस हॉस्टल में रहूँगा। एनीवे सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई और जब पिताजी वहाँ से चलने लगे वापस, तो मुझे याद है कि मैं हॉस्टल से बाहर आया, उनकी आंखों में भी आंसू थे, उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा जो अभी तक घर में काफ़ी अच्छे से प्यार से पाला गया है, घर में रहा है। आई वॉज़ वेरी गुड इन एकेडमिक्स बट मेरे पिताजी मेरे बारे में इतने पॉजिटिव थे कि कभी उन्होंने मुझे शहर में सब्जी मंडी में कुछ सब्जी खरीदने भी नहीं भेजा था टिल क्लास 10। सो उनकी आंखों में आंसू थे, ऑफकोर्स ही ट्राइड हिज बेस्ट टू हाइड दीज टीयर्स, लेकिन उनसे ज़्यादा मेरे आंखों में आंसू थे। एंड आई केप्ट क्राइंग, आई रिमेंबर मैं पहले कुछ दिनों तक आई टू क्राई मे बी हाफ एन आवर एवरी डे काइंड ऑफ इट, हैड बिकम अ रिचुअल, हैड बिकम टेरिबली होमसिक। वो समय है 1990 का, देन माई फादर पास्ड अवे, माई मदर पास्ड अवे, एंड आई फाउंड वन थिंग दैट जिंदगी में जब भी कुछ लॉस हुआ, पर्सनल लॉस हुआ, इंस्टेड ऑफ यू नो सम ऑफ दिस टफेस्ट ऑफ मोमेंट्स इन लाइफ, so many people would look at these incidents in life as something which has taken a part of them away forever. But to me something strange happened, because I found that each of these incidents, you know, very very critical incidents, very very critical
you know, moments in my life, they actually added a lot of courage within me, and I became a stronger with each personal loss. Now that is the essence here. So whatever happens to you in life does not matter at all. What the way you react to something which has happened to you does matter. So life will keep on moving. You know, we all are going to say goodbye to this earth on some day. We do not know whether we are going to live tomorrow. I mean, this is the reality. And that's the reason I keep on talking about the attitude of gratitude, that we must be thankful to God for having given us today, because yesterday many people have left this earth. So things will keep on happening. People will keep on digging ditches on your way. And the only thing is that you have to use each of these adversities in life to make you stronger, make you better, and make you a greater person than you were before you faced these adversities. My experience in life has been that I've not learned as much from good moments as I've learned from the toughest of moments. Because, as somebody said, that anything which is not able to kill me leaves me stronger. So if you are able to face winds of change, if you are able to face some of the most challenging moments, there might be moments when life will knock you down. But then all that matters is, even if you fall in life, fall with your head up, because then you can look into the sky, and this will inspire you to jump back, bounce back immediately. And that's what one of my favorite speakers, Vivek Bindra, keeps on talking about. So bounce back, jump back. So what I'm trying to say is, life is a university. It is going to bring nice moments, beautiful moments, as well as challenging moments in front of you. All that matters is whether you are able to use these toughest of moments to strengthen you or not. And with this, I would like to close this audio message clipping today. I would request all of you to make a list of three of the toughest moments in life and the lesson which you have got. And you can also write three of the happiest moments in life and the lessons which you have got. My bet is that you would realize that you have learned the best of lessons from the adversities, from the difficult, most difficult phases in life. And that makes us all smile, that whatever happens to us is going to make us feel better and stronger. And with this, thank you so much for your time. Have a great day. Bye-bye.